नीश कुमार खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जो हमारा प्रोग्राम है धर्म संसार, जो आध्यात्म के ऊपर है, मैं इस वक्त में श्री सत्य सिद्ध आश्रम बुलंदशहर में आया हुआ हूं। यहां पर श्री सत्य साहेब स्वामी सत्येंद्र जी महाराज मेरे साथ हैं। तो इन्होंने जो धर्म ग्रंथ लिखा है, जो सत्यास्मि मिशन है, उसके बारे में आज स्वामी जी बात करेंगे और हमारे साथ में कुछ मेहमान भी जुड़े हुए हैं। तो पहले स्वामी जी से सत्यास्मि मिशन के बारे में, जो सत्यात्मि धर्म ग्रंथ है, उसके बारे में स्वामी जी से हम थोड़ा सा जानेंगे। तो आइए पहले स्वामी जी से बात करते हैं। प्रणाम स्वामी जी। आशीर्वाद, जय सत्यम सिद्धाय नमः। अभी जैसे आपने पूछा कि भाई सत्यास्मि धर्म ग्रंथ के विषय में और सत्यास्मि मिशन के विषय में, इसका मूल विषय है ये, हमारा इस विषय को पूरी तरीके से इस ग्रंथ में हमने संकलित किया है। और ये देखिए, सारा स्त्री प्रधान को लेकर, स्त्री प्रधानता को लेकर सारा ग्रंथ है, जिसमें जितने भी जो अब तक वैदिक युग से लेकर और वर्तमान तक जितने भी अवतार हुए हैं और जो पुरुष प्रधान अवतार हुए हैं, उनके विषय में इसमें दिया गया है कि किस तरीके से केवल पुरुष प्रधानता को ही बढ़ावा दिया गया, स्त्री प्रधानता को इसमें बढ़ावा नहीं दिया गया। जी, हमारे साथ हैं जो सत्यास्मि मिशन और जो सत्यात्मी ग्रंथ है, उसके बारे में मोनिका जी बताएंगी, क्योंकि मोनिका जी ने जो ग्रंथ है उसको विस्तार पूर्वक पढ़ा है और खुद महिला होने के नाते इस ग्रंथ के बारे में काफ़ी कुछ जानती हैं। कि सत्यास्मि ग्रंथ में गुरु जी ने उसमें वो लिखा हुआ है ये दुर्गा सप्तशती के विषय में, तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती के विषय में पुरुष स्त्री शक्ति के साथ साथ पुरुष शक्ति को भी महत्व दिया है। तो आज हम सब एकत्रित हुए हैं गुरु जी से उसी के बारे में विस्तार से जानने के लिए। जय सत्यम सिद्धाय नमः। अभी जैसे हमारी भक्त मोनिका है, उसने ये प्रश्न उठाया कि इसमें जो ग्रंथ से अध्ययन कर रही है ये, उसमें दुर्गा सप्तशती के विषय में उल्लेखित है। तो मैंने उसमें ये चीज़ लिखा है कि आप देखिए, जैसे ये दुर्गा सप्तशती है, दुर्गा सप्तशती का है और गीता प्रेस वालों की है, तो इसमें जितना भी लेखक वर्ग है, लिखने वाले जो हैं, इसमें मार्कंड ऋषि हैं जिनका ये ग्रंथ है मूल में, और जो इसके श्रोता हैं, मतलब केवल श्रोता को छोड़कर, श्रोता जो पार्वती हैं, और जितने भी इसके वक्ता हैं, ब्रह्मा विष्णु जी, शिव जी, वैश्य समाधि और राजा, ये सब मेगा राजा वगैरह, तो ये सब जो हैं इसमें पुरुष प्रधानता है। अगर ये वाकई में स्त्री को लेकर, मतलब जैसे कि इसका विषय, इसका प्रश्न था कि क्या संसार में जो पूजनीय है दुर्गा माता और उनके अवतार, वो क्या वाकई में स्त्रियां हैं? और इसका मूल प्रश्न पहले भी ये इस विषय में और भी महिलाओं को आ चुका है कि संसार में इतने सारे रेप कांड ये सब होते रहते हैं, तो क्या स्त्री की सहायता के लिए कोई नहीं आता? जैसे कि अभी पीछे अनेकों, आप सब लोग जानते हैं कि अनेक इस तरीके के बलात्कार केस हुए, उनमें काफ़ी लोगों के प्रदर्शन रहते हैं। तो जैसा कि हम शास्त्रों में, सीरियल्स में ये सब देखते रहते हैं कि भाई भगवान को हम पुकारें और भगवान तुरंत बिना, मतलब उसके आ जाएंगे, आप जो है तुरंत पहुंचेंगे आपकी सहायता के लिए, तो लेकिन ऐसा नहीं होता देखा गया। इससे एक अश्रद्धा का वातावरण उत्पन्न होता है और लोग ये देखते हैं कि भाई तमाम शास्त्र, तमाम प्रवचनकर्ता, सभी लोग बाग इस पर विचार करते रहते हैं और कहते रहते हैं, घोषणा करते रहते हैं कि जब भी भगवान को आप स्मरण करेंगे भगवान आ जाएंगे और आप किसी भी तरीके भक्ति होनी चाहिए। और जिस समय व्यक्ति या स्त्री के प्रति रेप का कांड चल रहा होता है या कोई भी इस तरीके का प्रसंग चल रहा होता है, तो वो सबसे पहले अपने आसपास किसी व्यक्ति को प्रसंग पर उठाएगी कि भाई आप मेरी सहायता के लिए आ जाओ, पर नहीं तो अंत में उसके लिए भगवान ही सहायक होता, जो भी उसका इष्ट होता। अब इष्ट में ये आती है कि माता दुर्गा हैं, माता काली हैं, या मातंगड़ी हैं, कमला हैं, सोरसाद त्रिपुरा सुंदरी हैं, बगलामुखी हैं, तो वो जब किसी को भी स्मरण करेगा तो वो नहीं पहुंचती। और यहाँ तक कि उस केस के बाद भी उपरांत में ना तो उस जेल में रहने वाले मनुष्य के लिए कोई इस तरीके का दैविक प्रकोप होता है कि पता चली वो पागल हो गया, इस तरीके का कोई चीज़ होगी, बाकी उसे कानून ही उसका न्याय करता है। तो यहाँ एक आता है सामाजिक न्याय और एक होता है दैविक न्याय। सामाजिक न्याय तो समाज में प्रचलित है ही, चल रहा है और वो तो मिलता ही है, और एक होता है जो हमें पढ़ाया जाता है और जो हम अब तक सुनते आ रहे हैं कि दैविक न्याय भी है, वो हमें नहीं दिखाई देता तत्काल। तो ऐसा क्यों? क्या स्त्री के सहायता के लिए वाकई में जो हमें ये सब ग्रंथों में उल्लेखित हैं, दुर्गा माता या काली माता वगैरह, तो ये क्या वाकई में हैं या नहीं? तो मैंने इसी प्रसंग पर ही जो दुर्गा सप्तशती का प्रसंग उठाया, तो जिसमें कहा गया सब पुरुष प्रधानता है, तो आप उसमें देखोगे देवता और दैत्यों का युद्ध का उल्लेख है, दोनों समांतर हो गए, और समांतर होने के उपरांत में जब वो विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे देवता दैत्यों पर,
तो फिर देवताओं ने अपने अंदर से शक्ति का आह्वान करा और उस शक्ति को एकत्र करा, क्योंकि पुरुष के अंदर एक्स वाई है, ऋण और धन, स्त्री में एक्स एक्स है, तो नतीजा वो अपने अंदर से शरीर से शक्ति नहीं निकाल सकती। इसका उल्लेख मैं बताऊंगा मोहिनी प्रसंग में, विष्णु जी के में, लेकिन उससे पहले ये है कि जब उन्होंने एक्स वाई में से अपने वाई को रखा, क्योंकि वाई को अगर वो नहीं डाल देंगे तो पुरुष प्रधानता खत्म हो जाएगी, पुरुष की जो शक्ति है वो गिर जाएगी, शरीर गिर जाएगा, तो उन्होंने वाई को एक्स को प्रकट करा, वाई को रखकर, और एक्स जब समस्त देवताओं का एक्स वातावरण में इकट्ठा होता चला गया, घनीभूत होता चला गया, तो उसकी क्या हुआ कि वो एक स्त्री का स्वरूप बन गया, क्योंकि वो पुरुष के अंदर की स्त्री है। अब आता है दूसरा ये कि वहाँ पे जितने भी हथियार और जितने भी देवताओं से क्यों प्राप्त करे, अगर वो देवताओं के अस्त्र उतने प्रभावी होते तो वो देवताओं के ही कार्य में काम करते, लेकिन वैसा ना हो के उन्होंने जो है अब देवताओं से ही वो अस्त्र प्रदान, मतलब देवताओं से ही अस्त्र मांगे या देवताओं ने अस्त्र प्रदान करे, तो नतीजा क्या हुआ कि वहाँ पे इसलिए उल्लेखित है कि हम देवताओं से उसका उद्भव हुआ, प्राकट्य हुआ और देवताओं में उसका समापन हुआ बाद में युद्ध के उपरांत में, तो वो पुरुष शक्ति है क्योंकि वो पुरुष के अंदर से निकली हुई, इस चीज़ का प्रमाण है। फिर उन्होंने युद्ध हुआ, युद्ध में चूंकि वो एकत्र शक्ति है और वो एक मतलब भिन्न भिन्न शक्तियाँ थी, और वहाँ पे इस वजह से युद्ध में उन्होंने उस स्त्री कारक जो शरीर धारण करके दुर्गा है, मतलब दुर्गा का अगर वैसे सावधिक अर्थ देखें तो दुर्ग और आ, मतलब दुर्ग माने शरीर और आ माने आत्मा, तो दुर्गा ये चीज़ हुई। तो उसमें पार्वती श्रोता हैं, अगर वो वाकई में इसके अंदर कोई चीज़ हुई होती तो फिर वहाँ पार्वती उस प्रसंग को सुना रही होती शिव जी से, कि एक बार की बात है कि जब आपने ऐसा करा और हमने मैंने आपकी ऐसे सहायता करी, ऐसा नहीं उस समय प्रसंग आया और युद्ध हुआ, उसमें जो उसका मूल मंत्र है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, अगर उसमें वेदांतिक अर्थ से भी देखें तो एम इच्छा शक्ति का बीज मंत्र है, क्लीम जो है वो ह्रीम जो है वो क्रिया शक्ति का बीज मंत्र है, और क्लीम जो है वो ज्ञान शक्ति का है, चामुंडा अर्थात चार मुख जैसे वेदों के बोलते हैं ऐसी चामुंडाए, उसमें वैसे नौ अक्षर आते हैं चे आ मैं ऊ ने डे आ ये ए चामुंडाए, तो उसमें नवांग पक्ष प्रकट होता है देवी का, और विच्चई जो शब्द है उसके आगे नमे नहीं लगाना चाहिए क्योंकि दुर्गा सप्तशती में कहीं भी नमे नहीं लिखा हुआ, वो है एम ह्रीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, अर्थात इसका अर्थ क्या है, हे महासरस्वती हे महालक्ष्मी महाकाली चंडिका मेरे अज्ञान रूपी रज्जु ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त कर। इसमें कहीं भी ऐसा कोई प्रसंग नहीं आता है कि कोई धन दे दे या कुछ इस तरीके के, बाकी प्रसंगों में इस तरीके का उल्लेखित है। तो अब ये क्या है सरस्वती लक्ष्मी काली, ये हमारी जो आत्मा की इच्छा है, जो अभी दुर्गा शब्द कहा गया, तो आत्मा की इच्छा, आत्मा की क्रिया और आत्मा का ज्ञान, इसके प्राप्ति होने से व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है, उसके अंदर का जो दैत्य पक्ष है वो नष्ट हो जाता है, अंधकार नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है और वो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता। और लास्ट में भी आप देखेंगे उसके अंत में भी दुर्गा सप्तशती के में यहाँ पर थोड़ा सा एक अध्याय जो मतलब 11वां अध्याय जो है उसमें ये 53वां और आप 54वां और 55वां ये जो श्लोक है जिसमें अंत में ये देवताओं को वरदान दे रही हैं, तो उसमें देखिए उसका सादा अर्थ भी मैं पढ़ रहा हूँ, संस्कृत का तो एक अलग ही पक्ष हो जाता है, उसमें भी ये है कि मैं तीनों लोकों का हित करने के लिए छह पैरों वाले असंख्य भैरों का रूप धारण करके दैत्यों का वध करूंगी और सब समय सब लोग भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे, इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी तब तक अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करूंगी। इसमें जो भी मैंने प्रसंग उठाया उसमें विषय यही है कि स्त्री के लिए कहीं भी इसमें वरदान नहीं दिया गया है कि भाई अगर कोई भी मनुष्य इस प्रकार का या पुरुष इस प्रकार का स्त्री के लिए अत्याचार करेगा, उसके प्रति इस तरीके की दुर्भावना रखेगा तो मैं उसका संहार कर दूंगी, वध कर दूंगी। तो इस मैंने अभी जैसे प्रसंग में बताया, अब इसमें एक और जैसे मैंने बीच में कहा कि यहाँ स्त्री शक्ति की जगह वो पुरुष शक्ति है, स्त्री जगह की जगह पुरुष शक्ति है, तो आप उसमें देखोगे मोहिनी प्रसंग में विष्णु जी के जो मोहिनी प्रसंग में जब भस्मासुर को वरदान दिया शिव जी ने और पार्वती के प्रसंग में, तो वो उनकी प्राप्ति के लिए कि मैं इन्हें ही भस्म कर दूँ शिव जी को, और वो उनके पीछे भाग पड़े, शिव जी उनसे बचते हुए
लीला प्रसंग है तो, लेकिन उसमें विष्णु भगवान को उन्होंने सहायक के रूप में बुलाया, विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करा और उन्होंने उसको जो है संहार करा। अब आप देखिएगा स्त्री जो शिव जी अपनी पार्वती से भी कभी मोहित नहीं हुए, वो एक मोहिनी प्रसंग में विष्णु जी के स्वरूप को, स्वरूप को देखकर स्खलित हुए, जिसका प्रसंग है वो आगे चलकर हनुमान जी वाला प्रसंग। लेकिन यहाँ पे जो मूल बात कहने की है वहाँ वही है कि वो पुरुष से विष्णु भगवान स्त्री में परिवर्तित हो गए, जो कि कार्य पार्वती माता को करना चाहिए था कि भाई मेरे पति के लिए, मेरे पति के प्रसंग में इस तरीके का है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उठाकर शिव जी के इस प्रसंग में इस तरीके से करूँ। अब इसमें बहुत से लोग बाग आरोप लगाने लगेंगे कि नहीं नहीं वो ऐसा था वैसा था, लेकिन अगर सीधा सीधा सा उसको देखें, जो कि मैं स्त्री प्रधानता के विषय में बोल रहा हूँ, ये विषय किसी पुरुष प्रधानता के विषय में नहीं बोल रहा, तो वहाँ पर जो मेरा ये कहना है वो यही है कि वहाँ एक्स वाई का विषय है। पुरुष ने अपने अंदर का एक्स को बाहर करा और चूंकि उसके अंदर दोनों हैं, तो जो हम ये देखते हैं ब्रह्मा सरस्वती विष्णु लक्ष्मी शिव शक्ति, ये जो चित्र हैं, ये चित्र टोटल आप ये देखिए पुरुष प्रधान है। उसमें जैसे मैं ही हूँ, मेरा आधा इसमें पूरा वैसे पुरुष हूँ भारतीय तौर पर देखने पर, लेकिन अगर मेरा आधा भाग किया जाए तो आधा पुरुष का है, आधा मेरे अंदर स्त्री का है, अगर मेरे अंदर ऋण है तो आधे को तो मेरा जो नाम दिया गया है वो है और दूसरा नाम क्या देंगे, इसलिए उसको नाम को उनकी भाषा में ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा में आधा हिस्सा ब्रह्म है, आधा हिस्सा ब्रह्माणी अर्थात सरस्वती कर दिया गया, आधा हिस्सा विष्णु भगवान है और आधा लक्ष्मी कर दिया गया, लक्ष्य को धारण करने वाली है, लक्ष्य तक पहुँचाने वाली लक्ष्मी, और शक्ति है शिव और शक्ति। ऐसे ही प्रसंग आता है, ये तो मैंने बता दिया दुर्गा सप्तशती में, तो यहाँ इस तरीके का अवतार नहीं दिखाई देता, इसलिए ऐसा लगेगा कि आपको ये नास्तिकवाद की बात सी लगेगी कि आप नास्तिकवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन ये असलियत में एक वैज्ञानिक स्वरूप के ग्रंथ होती हैं, इनको समझने के लिए ये वेदांतिक हैं, जिनको बाद में पुराणों के माध्यम से सहजता भाषा में समझाने के पक्ष में करते करते ये ऐसा विषय उत्पन्न हो गया कि जो आज विरोधाभासी और नास्तिकवाद को जन्म उत्पन्न दे रहा। अब इस मेरा जो विषय, फिर स्त्री क्या करे, तो स्त्री को अपने अंदर की कुंडलनी शक्ति खुद ढूंढनी होगी, और जैसे मैंने पहले भी कई बार इस विषय में प्रसंग उठाया है कि स्त्री के जितनी भी कुंडलनी के विषय हैं समाज में जो भी हैं, वो जो जितने भी चित्र और जितने भी उपलब्धि की गई हैं चित्र आप देखेंगे, वो सारे के सारे आयुर्वेदिक चित्र हैं। उसमें जो दिखाए गए हैं मूलाधार में लम, नाभि से नीचे स्वादिष्ठान में वम, नाभि में रम, हृदय में यम और कंठ में हम, और फिर ये परा और अपरा, ये दो तत्व हैं। यहाँ पे कोई बीज मंत्र नहीं होता क्योंकि यहाँ मन की गति नहीं होती है। तो ये पुरुष हैं लम, तो उसको देखो मैंने उसमें कहीं भी नहीं इसका उल्लेखित आया कि भाई ये दोनों बीज मंत्र पुरुष प्रधान होकर किस प्रकार से प्रकट हैं, मतलब लम्ब का अर्थ क्या है, चारों तरफ ये तो मिल जाएंगे कुंडलनी जागरण के सभी सिखा रहे हैं और आओ कुंडलनी जागरण सिखाएं, कुंडलनी जागरण इतना आसान नहीं है जितना कि प्रकट करा गया है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में मार सारे के सारे कुंडली जागृत, हाँ इन शिविरों से कम प्रेरित होकर धार्मिक होने की ओर अग्रसर होता है मनुष्य, ये जरूर माना जा सकता है और ये होता भी चाहिए। लेकिन अब ये तो पुरुष प्रधान या बीज मंत्रों के, लम्ब का अर्थ क्या है, लिंग, लिंग का जो है एक तरीके शॉर्ट फॉर्म है लम्ब। वम जो है जो स्वादिष्ठान में है वह वीर्य है, तो वम का जो शॉर्ट फॉर्म है, वीर्य का शॉर्ट फॉर्म है वम। रम जो है वो रमण है, अर्थात ये जब ये उत्पन्न होता है जब हमारे अंदर काम का भाव आएगा, जब ही फिर नीचे को जाएगा और लिंग अपनी जगह उन्नतिकारक होगा। और उसके बाद है यम, यम का अर्थ है योनि, योनि का अर्थ यहाँ स्त्री का अर्थ योनि नहीं है, यहाँ योनि का अर्थ है जो जैसे मैंने अपना शरीर धारण करा है, अर्थात मैं पुरुष योनि में उत्पन्न। फिर आता है हम, हम का अर्थ है उपस्थिति, मेरी स्वयं की उपस्थिति, ये विषय है। तो ये तो हो गया पुरुष प्रधानता का बीज, इसमें कहाँ है, अगर इसे स्त्री याद करेगी लम वम, इसके लम वम रम यम और हम को, तो उससे उसकी शक्ति नहीं जागृत होगी, बेशक पुरुष शक्ति पात करने के बाद में सुषुम्ना में उसका प्रवेश जरूर करा देगा, लेकिन उसकी उन्नति नहीं हो सकती, और यही कारण है कि स्त्री का उत्थान नहीं हो रहा। तो इसलिए आवश्यक है उसे अपनी कुंडलनी ढूंढने की, आयुर्वेदिक चित्रों को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, वो प्राणायाम के चित्र हैं, प्राण शक्तियों के, नाड़ी नाड़ी जितने भी प्राण विज्ञान का है उसका विषय है। अब आता है ये जो अभी इसने इसका प्रश्न का उत्तर मैंने इस प्रसंग में दे दिया है तुम सिद्धायन में। अब जैसे हमारे भक्त बैठे हुए हैं, इनके अभी प्रश्न का उत्तर मैंने दिया है
तो जैसे कि मैं गुरुजी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आजकल हमारे समाज में सबसे ज़्यादा राधा और कृष्ण की उपासना को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसमें क्या है कि जैसे राधा कृष्ण को महत्व दिया जाता है कि अगर मैं भी शादीशुदा हूँ कि मैं अगर अपने पति को किसी प्रेमी के साथ कैसे देख सकती हूँ, तो वो हम समाज में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो मैं इसी बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी से कि जो उनकी उपासना की जाती है तो उसकी उपासना से हम क्या ग्रहण करें। आज के समाज में जो औरतें हैं वो यही सोचती हैं कि भाई एक पत्नी को उसमें महत्व नहीं दिया गया। जैसे रुक्मणी है कृष्ण जी की वाइफ, तो रुक्मणी है ना ही तो उनकी फ़ोटो मिलती है, ना ही उनकी कोई पूजा होती है, ना ही वो कहीं दिखाई देती हैं। तो उनकी राधा कृष्ण की जो वो है उपासना, उससे हम आज के समाज में क्या ग्रहण करें या क्या किस तरह से उनकी उपासना करें, कैसे माने। जो मैम ने आप क्वेश्चन किया है, मैं भी इसी क्वेश्चन के बारे में पूछना चाहती हूँ गुरु जी से कि इस क्वेश्चन पर क्या सवाल उठता है सर। कि हमारे समाज में प्रेमिका का तो कोई स्थान है ही नहीं। प्रेमिका भी जो है शादी करने के बाद ही पूर्ण ग्रहण करती है, उसका सपना भी यही होता है कि भाई मैं शादी कर लूं। तो इसमें यही राधा कृष्ण का है कि वो प्रेमिका रूप ही निभाया है उन्होंने शादी विवाह में, तो फिर वो बंधन में बंधी ही नहीं है। और कृष्ण ने जो है जबकि कि कहते हैं कि भाई मेरी प्राणाधार है, मेरी आधा अंग है, फिर वो आधा अंग उन्होंने रुक्मणी के रूप में भी स्वीकार किया है पत्नी के रूप में। फिर प्रश्न यही है कि वो राधा के साथ पूरे हैं या रुक्मणी के साथ पूरे हैं। या पूजा होती है राधा राधा कृष्ण की होती है, तो रुक्मणी कहते और नंबर आया नहीं, जबकि सबसे प्रथम रानी तो वो ही है। ध्यान में इस प्रसंग में जैसे अभी भक्तों ने ये प्रसंग उठाया राधे कृष्ण तत्व पर, इस पर मैं ये जो ग्रंथ है हमारा सत्यासमी, इसमें ये विषय थोड़ा सा उल्लेखित किया है जो यहाँ चित्र के रूप में आपको दिखाई देगा, जिसमें इसी प्रसंग को कहा गया है कि क्या राधा वाकई में हुई ये भी वह है, या केवल वो रुक्मणी ही एक प्रेम के रूप में राधा थी, या जो अभी मैंने जैसा कहा कि वो पुरुष प्रधानता ही दिखाई देती है, जैसे कहते हैं कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। तो यहाँ पर वो उल्लेखित ज़्यादा लगता है कि जैसे मैंने अभी कहा कि पुरुष के अंदर एक्स वाई होते हैं और स्त्री के अंदर एक्स एक्स होते हैं, तो जो स्त्री कृष्ण का जो आधा स्वरूप है वो श्री कृष्ण है, आधा स्वरूप जो है वो जो शक्ति है उसको नाम दिया गया राधा। और अगर ऐसा होता, जैसे एक उनके यहाँ वर्णन है कि इसके प्रसंग में है कि भाई राधा का प्रेम बड़ा है या जो रुक्मणी का प्रेम बड़ा है, इसमें उन लोगों ने कहा है शास्त्र जो ग्रंथकर्ता है कि एक बार ऐसा प्रसंग उठाया नारद मुनि ने या उद्धव ने कि भाई वो जो है आप जो है राधा से ज़्यादा प्रेम करते हैं या रुक्मणी आपसे रुक्मणी ज़्यादा प्रेम करती है वगैरह। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं जो भी मेरे आप कह देना कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और जो भी अपने चरणों की अंगूठे की जल को लाकर मुझे प्रदान कर देगी उससे मेरा कष्ट मिट जाएगा। अब वो जो है उद्धव गए और उन्होंने जो है उस प्रसंग में सबसे बात करी, तो सब गोपियाँ और रुक्मणी वगैरह जो भी पत्नियां थी उनकी, मतलब गोपियां तो एक सब्जेक्ट हो गया, जो उनकी पत्नियां थी उन्होंने उसे जल को देने के लिए कि पति को हम ऐसा जल पिलाएंगे, इस प्रसंग को उन्होंने मना कर दिया। और वो जैसी राधा के पास पहुंचा तो राधा ने उठाकर वो अपना नखून से वो जल स्पर्श करा और उन्हें सहश्रद्धा दे दिया और उन्होंने आके देखा पी लिया। तो वहां पर उन्होंने कहा कि देखो उन्होंने विचार नहीं करा, उन्होंने विचार करा। तो अब उनसे ये पूछा जाए कि विचार जो है वो शास्त्रज्ञ है, पति पत्नी का एक रिश्ता है जिसकी एक गरिमा है, उसके अंतर्गत ये विषय समानतावादी होने पर भी समाज में ये कहा गया है कि पत्नी जो है उस काल में भी पुरुष प्रधानता थी। आप देखिए रामचंद्र जी के काल में तो उनके जो पिता थे दशरथ, उनके तीन ब्याह, भगवान राम ने आके केवल एक एक पत्नीव्रता पतिव्रता धर्म को निभाया, उसके बाद महाभारत काल में फिर जो बहुपत्नीव्रता आगे आ गई और उसमें कृष्ण जी का भी उसमें उल्लेख है, उसमें ऐसा नियंत्रित नहीं दिखाई देता या जैसे किसी ने एक पत्नीव्रता का व्रत संकल्प दोहराया हो। इसी से जब हम ये उपासना करते हैं, जब हम किसी भगवान को जुड़ते हैं या भगवान की आराधना करते हैं तो वह आइडियल मान लेते हैं। अब आइडियल से हमारा संदेश इस प्रकार का जाए तो इसके प्रसंग में मैं ये कहूँगा कि मानो ये मेरे सामने कई बार प्रसंग आया तो जब मैंने ये कहा कि भाई मान लो कि मैं अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ, हम तो ब्रह्मचारी हैं लेकिन हम अपनी पत्नी के साथ जा रहे हैं माना, और किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर मैं ये कहने लगूँ, प्रेमिका भी मेरे सामने से आ जाए, कोई पूर्व प्रेमिका हो और जो भी उसका विवाह नहीं हुआ है, मुझसे अब भी कहीं लुके छिपे प्रेम है उसका, और पत्नी से मैं कहने लगूँ नहीं अब हम जो है एक दूसरे को जो मुझे अभी इसी सार्वजनिक प्लेस पर किस कर देगी,
हैं, वो उसका प्रेम मैं सबसे सर्वाधिक मानूंगा। तो वहाँ क्या होगा, पत्नी एक बार कह देगी अरे ये क्या तुम ये क्या कर्म यहाँ करने को बैठे हो, जब हमें एक वो मिला हुआ है सामाजिक हो तो हम जाके अपने तसल्ली से करेंगे किसी कर्म को, ये क्या सार्वजनिक समाज में क्या मतलब आप प्रदर्शित करना चाहते हैं कि मैं आपसे ज़्यादा प्रेम करती हूँ। कर्तव्य का बोध मेरा है वो वहाँ जाके देखना इस प्रसंग में। और लेकिन प्रेमिका को ये लगेगा कि मैं इस समय पत्नी को परास्त कर सकती हूँ, तो वो समांतरवाद दिखाने की वजह से वो वहाँ कर सकती है, तो इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे कुछ सिद्ध नहीं हुआ, ये तो एक प्रकार की मर्यादा को भंग करने की परंपरा हुई। तो प्रचलन जो चल रहा है इस प्रसंग से समाज में किसी प्रकार का कोई संदेश नहीं जाता है, सब अर्थात मैं पति हूँ और मेरे साथ मेरी पत्नी है और वो पत्नी जो है मतलब उसको समाज में जबकि बिल्कुल ये दिया गया जितने भी यज्ञ और अनुष्ठान और जितने भी सब कुछ भी हैं उसमें पत्नी का सर्वाधिक बराबर का अधिकार है, उसके बगैर यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सारी चीज़ें विफलता को प्राप्त होंगी, देवता भी ग्रहण नहीं करते, और उसमें मैं अगर पत्नी को छोड़कर प्रियसी को अपने जो ऐसे पुजवाऊँ या मैं गले में एक लॉकेट डाले घूम रहा हूँ और उसमें प्रियसी का फोटो है, तो पत्नी को मैंने समानता का अधिकार कहाँ दिया, मैंने पुरुष प्रधानता में केवल अपनी प्रेमिका पक्ष को प्रधानता दिया, तो ये तो निखालस पुरुष प्रधानता सिद्ध हुई, इससे कोई अच्छा संदेश नहीं जाता। बेशक इस पर किसी प्रकार का तर्क हो लेकिन अगर वहाँ स्त्रियों का पक्ष से इसको देखें तो ये बिल्कुल निषेध है, इससे कुछ नहीं सिद्ध होता। हाँ, जो कृष्ण जी का भी मैंने स्वरूप बताया कि उनका कुंडलिनी का जो स्वरूप है उसमें वो आधे पुरुष और आधे स्त्री हैं, आधे एक्स और आधे वाई, आधे श्री कृष्ण और आधा राधा, ये मान्य हो सकता है। इस आधार पर जब हम श्री कृष्ण की साधना करेंगे तो वो प्रकार के जैसे उसमें ध्यान करेंगे तो उसमें वो एक प्रकार का पुरुष का ही ध्यान है, और उसमें जो जागृति है इंगला पिंगला नाड़ी अर्थात कृष्ण और राधा के प्रसंग से वो शक्ति ऊर्ध्व जगती चली जाती है, उसी का जैसे सात कोष की परिक्रमा, तो सातों चक्र हो गए मूलाधार स्वादिष्ठान नाभि हृदय कंठाग्या चक्र, और वहाँ पर जाकर जो द्वैतवाद है वो अद्वैतवाद में बदल जाता है, अर्थात वही हो गया जो कृष्ण है जो कृष्ण की उपासना कर रहे हैं वो वहाँ श्री कृष्ण को अनुभव करेंगे अपने साथ, यही विषय है। और जो पूर्व जन्म से सारे उसमें गोपियाँ हैं वो भी देखोगे वो सारी स्त्रियाँ, जो स्त्रियाँ बनी अर्थात वो पूर्व जन्म पुरुष थे, उन्हें अपने परिजनों से अपनी पत्नियों से प्रेम नहीं उपलब्ध हुआ और उन्होंने वो भगवान से रमण की इच्छा करी क्लीम बीज मंत्र से, क्लीम काम का बीज मंत्र है, क्लीम काली का भी है और क्लीम कृष्ण का भी बीज मंत्र है, तो उसकी साधना करने के उपरांत उन्हें वो देह धारण हुई, क्योंकि भगवान तो अपने शरीर को धारण नहीं बदलेगा तो वो तो पुरुष है, क्योंकि पुरुष के प्रति हमें आराधना करनी है कि पुरुष से हमें ऐसा उपलब्धि हो, अर्थात वो पीछे के जितने भी ऋषि थे वो स्त्री में बदले और स्त्री में बदल के उन्होंने गोपी रास रचाया। और यहाँ भी बहुत सारे एक तर्क उठ जाएंगे कि भगवान मतलब किस प्रकार देख रहा है, आत्मा में देख रहा है उसको कि क्या नाम है ये स्त्री है पुरुष, तो वहाँ उनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की गई या उनके काम की या उनके रास की पूर्ति की गई है, ये सब प्रसंग यौगिक विषय हैं। खैर अधिक गहराई में न जाते हुए इस विषय में मैं फिर कभी कहूँगा अगले प्रसंग में, लेकिन मैं यही कहूँगा कि ये इससे उत्तम संदेश नहीं जाता है। और आज स्त्रियों का एक समाज है, जैसे कि एक विषय में छोटा सा कहूँगा, एक चल रहा कलयुग, जबकि मेरी भाषा से कलयुग समाप्त हो चुका, वो कब का समाप्त हो चुका, गुरु गोविंद सिंह के समय पर। कलयुग का आप चित्र देखेंगे तो वो पीताम्बर पहने हुए घोड़े पर बैठे हुए और वो आपको दिखाई देते हैं जो उल्लेखित है कलिक पुराण में, और उसमें ये कि वो यहाँ पैदा हुई वैसा पैदा हुई, अगर हम पैदा का भी मान लें कि कलयुग पैदा हो चुके कलिक अवतार पैदा हो चुके तो भी बड़ा विस्तार गलत है, क्योंकि जितने भी भगवान हुए देखिए राम त्रेता के अंत में आए, उनके जाने के त्रोहित होने के उपरांत ही जो है फिर द्वापर शुरू हुआ, द्वापर के अंत में जब द्वापर का समापन हो रहा महाभारत का अंतिम क्षण चल रहा है तब कृष्ण जी की सारा उल्लेख है, उसके जैसे ही कृष्ण जी का बाण लगने से पैर में मोक्ष हुआ वैसे ही कलयुग आ गया, और उसके बाद महात्मा बुद्ध हैं महावीर स्वामी हैं आगे पीछे महावीर स्वामी पहले हैं फिर महात्मा बुद्ध हैं फिर वगैरह ईसा मसीह वगैरह मोहम्मद साहब वगैरह ये सब हैं, और इसके बाद में तो कलिक हैं, तो या तो कलिक आ चुके या कलिक आगे कब आएंगे यही पहले तय नहीं है, क्योंकि सब अगर हम 10,000 का भी माने पैर 10,000 वर्ष का, वैसे हम हिंदू होने के नाते हमारा तो एक ही है ना कि सतयुग आएगा फिर त्रेता आएगा फिर द्वापर आएगा फिर कलयुग आएगा,
फिर मतलब सब नष्ट हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, और फिर सतयुग आएगा, फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा। तो ये तो पुरुष प्रधानता चलती रहेगी। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सिद्धांत पर, स्त्री पुरुष और बीज इसके सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखेंगे तो पुरुष और स्त्री और फिर बीज, बीज अर्थात एकीकरण, वो प्रलय, एक दूसरे में समाहित हो जाना। इसके उपरांत अब आगे स्त्री फिर साम्राज्य आए या पुरुष साम्राज्य आए, तो अभी जो है स्त्रियों का साम्राज्य, स्त्रियों का युग चल रहा है जिसे सिद्धि युग बोलते हैं। आप देखोगे विक्टोरिया के काल से आया, और जैसे भी मैंने कही कि कल जो वो हैं क्या नाम है अपना गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने समानतावादी धर्म की स्थापना करी, उसमें सब सामूहिक रूप से बैठते हैं, उन्होंने गुरुवाद की बृहस्पति का दिन तय करा, और उन्होंने वो पीताम्बर उनका है घोड़े पर वो सवार हैं, विजातियों से अथार्थ लड़े, और उन्होंने विश्व में उस धर्म की स्थापना करी है। तो ये कलयुग हो चुके, आज घोड़े पर घोड़े जबकि एंटिक पीस हो गए, ब्याहों में तो मिलते ही नहीं है वे हमें चढ़ने के लिए, तो आगे आगे तो वो एंटिक पीस हो जाएंगे, तो वहाँ कहाँ मिल प्राप्त होंगे। और कलयुग में जो है तलवार लेकर कौन लड़ेगा, जिसमें लेजर भी में एक क्षण में भस्म कर सकता आदमी, वहाँ पे कितनी आध्यात्मिक शक्ति का व्यक्ति हो तलवार लेकर नहीं लड़ेगा, वो या तो शांति के संदेश को फैलाएगा या जो है अपने सच्चे उपदेशों से जनता में जागृति करेगा। और युद्ध की स्थिति आती है जैसा कि कलयुग में कलिक अवतार के विषय में युद्ध करेंगे, तो भाई वो रॉकेटों का जमाना है, तो वहाँ तो विषय ही बदल जाएगा। इसलिए वो हो चुके, ये स्त्रियों का है युग, और इसमें विक्टोरिया के काल से पूरे विश्व में विक्टोरिया का साम्राज्य रहा। उसके बाद आप देखोगे भिन्न भिन्न देशों में, भिन्न भिन्न स्थानों पर, हमारे देश में भी प्रतिभा पाटिल हुई, इंदिरा गांधी हुई, और अनेकों प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री वगैरह सारी चीज़ें हुई हैं, प्रधानमंत्री मतलब हुई हैं। तो और फिर उसी ओर अग्रसर हैं बड़े से बड़े, छोटे से छोटे से लेकर बड़े बड़े पदों पर, और स्त्री मिशन अब चल रहा है, यही विषय यहाँ पर कहा गया है। तो आगामी विषय में मैं इसके विषय में और बताऊँगा, शिव जी के विषय में, तो यहीं पर मैं विराम लेता हूँ इस विषय को लेकर। और समझ में आ गया होगा आप सभी भक्तों को कि जो राधे कृष्ण तत्व है या अभी जो मैंने कहा दुर्गा तत्व है, ये पुरुष प्रधानता युगों की देन है, जिसको समझाया किसी और विषय के लिए गया था, और वो बन इस तरीके से गया है कि जैसे स्त्री को कहा जाता है कि सब कुछ तेरा है लेकिन कोठी उठे हाथ मत लगाना, वैसे ही ये विषय कि भाई मास्टर घरवाली मास्टर नहीं और वकील की घरवाली वकील नहीं, लेकिन वो बिन डिग्री के, लेकिन कभी वकीलनी का घरवाला वकील नहीं होता, ये नहीं लिखा जाएगा। तो इसलिए ये सब जितनी भी उपासनाएं हैं इनके यथार्थ रूप को समझें, यही जो विषय यहाँ 87 मिशन का है। इसके अगले प्रसंग में और भी बताऊंगा, और जो सह तर्क में उसे प्रस्तुत करूंगा, और अन्य भक्तों के साथ इस विषय पर चर्चा की जाएगी। जय सत्योम सिद्धाय नमः।